श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर शिव महापुराण में दिए गए उपाय और गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों के बारे में बताते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम वैशाख मास की प्रदोष के दिन किए जाने वाला जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके बहुत सारे शत्रु बन गए हैं, आप उन शत्रु को परास्त करना चाहते हैं, मतलब आपके बहुत सारे दुश्मन बन गए, दुश्मन का मतलब ये नहीं कि लड़ाई के लिए दुश्मन बन गए, किसी भी प्रकार से आपके दुश्मन बन गए हैं और आप उन दुश्मनों को हराना चाहते हैं, साथ ही आप अपने जीवन में उन्नति भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्नति किसी प्रकार से हो नहीं रही है। आप सारे उपाय कर चुके लेकिन उससे कोई भी आपको फल नहीं मिला है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि वैशाख मास की प्रदोष के दिन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदोष का बहुत महत्व होता है, लेकिन वैशाख मास के प्रदोष का और भी अधिक महत्व होता है। तो इस दिन अगर कोई उपाय किया जाता है तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। उपाय बहुत ही सरल है। उपाय में आपको केवल दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक धतूरा और दूसरा बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसमें कांटे लगे होते हैं, आपने देखे होंगे। तो बेलपत्र के जो कांटे होते हैं वो कांटे, 7 कांटे आपको लेना है और एक धतूरा लेना है। ये दोनों ही चीज़ें लेकर आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर ये दोनों ही चीज़ें अर्पित कर देना है। लेकिन जाने का जो समय होगा वो होगा प्रदोष काल। प्रदोष काल जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्यास्त जो होता है उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, यानी टोटल मिला के 1.5 घंटे का जो टाइम होता है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। तो आपको प्रदोष काल में शिव मंदिर जाना है, ये दोनों चीज़ें लेके, एक धतूरा और 7 कांटे, किसके कांटे, बेलपत्र के पेड़ में जो कांटे होते हैं वो कांटे लेके आपको जाना है और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं प्रदोष के दिन, वो भी वैशाख के प्रदोष के दिन अगर ये काम करते हैं और वो भी प्रदोष काल में ये काम करते हैं, तो आपके जो सारे शत्रु हैं वो अपने आप परास्त होंगे और आपके जीवन में उन्नति जरूर होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।